दोस्तों, प्रकृति की दिन ही पेड़ पौधे होती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे चमत्कारिक पौधे बताने जा रहा हूं जिसे आप करोड़पति भी बन सकते हैं। पहले मैं आपको इस पौधे की चमत्कारिक फायदे बताऊंगा, फिर आपको मैं इसकी धार्मिक एवं तांत्रिक फायदे बताऊंगा। दोस्तों, आपका महायोग टीवी चैनल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पौधे के बारे में। दोस्तों, इस पौधे की जानकारी अभी तक शायद ही आपको हो सकती है, ऐसे काफी कम लोग हैं जो इस पौधे की फायदे जानते होंगे। दोस्तों, महायोग भी चैनल के माध्यम से मैं आपको आज ऐसी दुर्लभ जानकारी पता नहीं जा रहा हूं जो आपको किसी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज तक ना बताई गई है और ना कभी शायद ही कभी बताई जाएगी। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए मैं बताता हूं आपको, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे चमत्कारी एवं महाचमत्कारिक पौधों की जड़ी बूटियां के उपाय बताऊंगा जिनसे आपको लाखों और करोड़ का लाभ ही लाभ होगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। दुनिया भर में ऐसे कई पौधे हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन उनके बारे में हमने शायद ही सुना होगा। ऐसा ही एक फल है बहेड़ा। क्या आपने कभी इस फल का नाम सुना है? अगर नहीं तो इसके माध्यम से हम आज आपको इसके औषधीय गुणों से रूबरू कराएंगे। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर बहेड़ा आपके पेट की बीमारियों से लेकर खून बढ़ा रहे तक में उपयोगी है। बहेड़ा के वानस्पतिक नाम टर्मिनलिया बेलेरिका। यह फल टाइफाइड और डायबिटीज आदि बीमारियों में भी आपकी मदद करता है। विटामिन की प्रचुरता वाला बहेड़ा आपको कई संक्रमणों से भी दूर रखता है। इसका इस्तेमाल आप चाहें तो चूर्ण के रूप में भी कर सकते हैं, हालांकि इसे फल के रूप में ज्यादा खाया जाता है। बहेड़ा के पेड़ की लंबाई काफी ऊंची होती है जिससे इसके फल जमीन से लगभग 30 फुट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बता दें कि बहेड़ा को कई औषधियां तैयार करने के साथ साथ कुछ अन्य चिकित्सीय गुणों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोग बहेड़ा को तेल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके तेल का प्रयोग करने से आपके बालों की चमक बरकरार रहती है और साथ ही बालों का झड़ना भी कम होता है। यह स्थानीय भाषा में फिनास और बहेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा फल है जो आमतौर पर गर्म और खाने में कड़वा होने के साथ ही स्वाद में थोड़े खट्टे भी होते हैं। आइए जानते हैं बहेड़ा के कुछ फायदों के बारे में। कैसे करें बहेड़ा की पहचान और प्रयोग? बहेड़ा की पहचान करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। यह भी बाकी फलों की तरह दिखने वाला एक सामान्य फल है। इसकी पहचान करने के लिए आप इसकी ऊंचाई से अंदाजा लगा सकते हैं। इसके फल बाकी फलों की तरह ही हैं, लेकिन इसका पेड़ करीब 800 से 2000 मीटर तक की ऊंचा होता है। यह एक बारहमासी फल है। यह हर मौसम में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके पेड़ आपको भारत के तमाम हिस्सों में आसानी से मिल सकते हैं, खासकर यह पहाड़ी हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है। आप इस पेड़ की छाल देखकर भी इसे पहचान सकते हैं। इसके पेड़ की छाल में अक्सर दरारें पाई जाती हैं। इसकी पत्तियां भी अन्य पत्तियों की तरह न होकर कई पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के साथ ही फ्रुक्टोज ग्लूकोज एंटीडायरियल गुण होने के साथ ही एंटी कैंसर गुण भी पाए जाते हैं। बहेड़ा का भरपूर लाभ उठाने के लिए आप इसे तीन प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका प्रयोग फल के तौर पर कर सकते हैं जिसे आप सामान्य फलों की तरह ही खा सकते हैं, हालांकि यह स्वाद में कड़वा होता है। दूसरा, आप इसके पत्तों को पीसकर स्किन पर इसका लेप भी लगा सकते हैं। वहीं इसका चूर्ण भी किसी औषधि से कम नहीं है। पेट संबंधी समस्याएं होने पर आप इसका पाउडर या चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। तीनों ही तरीके आपको उतने ही फायदे पहुंचाते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में बारी बारी से सभी जानकारी को जानते हुए चलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बारी बारी से सभी जानकारी को जानना। बालों के लिए फायदेमंद बहेड़ा को बालों के स्वास्थ्य के लिए काफी कारगर माना जाता है। बालों के मामले में इसके फल का कम इस्तेमाल होता है, बल्कि इससे बने पाउडर और तेल को लोग ज्यादा फायदेमंद मानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इसमें ऐसे औषधीय गुण मौजूद हैं जिन्हें बालों के लिए बहुत कारगर माना जाता है। इसे बालों पर लगाने से स्कैल्प पर पनप रहे बैक्टीरिया और डैंड्रफ से भी आपको छुटकारा मिलता है। इसमें मौजूद कशा और रुक्षा आपके बालों को घना बनाने में मदद करते हैं। बहेड़ा के बीज से निकाला गया तेल आपके बालों को सफेद होने से बचाता है।
साथ ही साथ बालों से जुड़े अन्य विकारों को भी दूर करता है। डायबिटीज में असरदार बहेड़ा को आयुर्वेद में एक औषधि के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका सेवन आपको डायबिटीज से पूरी तरह निजात दिलाने की क्षमता रखता है। इस फल में मौजूद चमत्कारी तत्व आपके रक्त में बढ़ रहे हाइपरग्लाइसेमिया को रोकने में बेहद प्रभावी माना जाता है। इससे आपकी शरीर में इंसुलिन का स्तर भी संतुलित रहता है। डायबिटीज के रोगियों को इस फल का सेवन अवश्य करना चाहिए। कब्ज से दिलाए राहत, बहेड़ा का इस्तेमाल पेट के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसमें मौजूद लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज आपके पेट में हो रही समस्याओं को दूर करता है। खास तौर पर पाचन संबंधी विकारों को दूर करने के लिए बहेड़ा के चूर्ण को प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। बहेड़ा और हरड़ के चूर्ण का प्रयोग एक साथ करने पर इसके लाभ दुगने हो जाते हैं। बहेड़ा का सेवन करना आपके स्किन पिगमेंटेशन में भी सहयोगी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तो वैसे कई पौधे और फल उपलब्ध हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन बहेड़ा के फल में एंटीऑक्सीडेंट और बायो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं जो आपकी शरीर में पहुंचकर तमाम तरह के संक्रमणों से लड़ते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहेड़ा में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल गुणों की मौजूदगी होती है। हृदय रोगों से दिलाए छुटकारा, हृदय रोग तेज गति से बढ़ने वाला रोग है। आजकल अमूमन लोग इसके शिकार हो रहे हैं। हृदय संबंधी समस्याओं में इसके चूर्ण का प्रयोग आपकी मदद कर सकता है। इसका चूर्ण बहेड़ा के फलों को सुखाकर बनाया जाता है जो आपकी श्वसन प्रणाली को बेहतर रखने के साथ ही आपके हृदय के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखता है। इसका सेवन आपकी शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ने से रोकता है जिससे आपको हार्ट स्ट्रोक आने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। एक शोध के अनुसार बहेड़ा खाने से आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी संतुलित रहकर सामान्य गति से कार्य करता है। अल्सर से दिलाए छुटकारा, अल्सर आपकी छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है जो काफी पीड़ादायक हो सकते हैं। बहेड़ा पौष्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर दोनों में ही काफी मददगार पाया जाता है। बहेड़ा में एंटी अल्सर गुणों की मौजूदगी होती है जो मुंह के छालों, पेप्टिक अल्सर और गले के छालों से भी आपको राहत दिलाते हैं। यही नहीं, इसका इस्तेमाल आपके टिश्यू रिजनरेट यानी उत्तक कोशिकाओं को दोबारा से बनाने में मदद करते हैं। डायरिया से दिलाए राहत, बहेड़ा के फल में एंटी डायरियल गुण पाए जाते हैं जो डायरिया रोकने में बेहद मददगार होते हैं। साथ ही इसमें मौजूद फ्लेवोनोइड्स की मात्रा आपको डायरिया से होने वाले लक्षणों से भी बचाते हैं। डायरिया से पीड़ित व्यक्तियों को बहेड़ा के फल और उसका चूर्ण खाने की सलाह दी जाती है। बता दें कि बहेड़ा में एंटी पैरा सेप्टिक और लैक्सेटिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो आपके दस्त लगने के बाद आपके पेट को बांधने यानी आपके मल को टाइट करने में मदद करती हैं, जिससे आप डायरिया से जल्दी निजात पा सकते हैं। इन्फ्लेमेशन में मददगार बता दें कि बहेड़ा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं जो आपकी शरीर में दर्द या सूजन को दूर करने में मददगार होते हैं। बहेड़ा का सेवन करने से आपके हड्डियों की समस्याएं भी काफी हद तक कम हो जाती हैं। यही नहीं, बहेड़ा में एंटी अर्थराइटिस के गुण भी मौजूद होते हैं जो आपकी हड्डियों में हो रही सूजन, दर्द या गठिया को भी ठीक करते हैं। बहेड़ा एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग सभी को करना चाहिए। इसके उपयोग से आप छुटकारा पा सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अगली पौधे के फायदे बता देता हूँ जो इस पौधे से भी ज्यादा चमत्कारी है एवं धन दौलत से यह पौधा आपको समृद्ध कर देगा। तंत्र शास्त्र में वनस्पतियों और बांदा का उपयोग प्राचीन काल से होता चला आया है। बांदा एक तरह का परजीवी पौधा होता है जो जमीन पर न उगकर किसी पेड़ पर उगता है। दरअसल तंत्र के अनुसार किसी भी पेड़ पर उगा बांदा यानी बांदा नाम के परजीवी पौधे का एक विशेष उपयोग है। अगर आपको अशोक, पीपल, अनार, वट, गूलर, आम, बड़, हरसिंगार, आंवले आदि पेड़ों पर यदि ये बांदा नाम का परजीवी पौधा लगा मिल जाए तो एक दिन पहले निमंत्रण देकर इसे किसी शुभ मुहूर्त में अपने घर ले आएं। लेकिन कब और कैसे, यह किसी जानकार से पूछ कर ही करें। दरअसल इन वनस्पतियों का व्यापक प्रभाव इंसान के शरीर और सुख समृद्धि पर पड़ता है। तंत्र शास्त्र में अलग अलग पेड़ पर लगे बांदे के विशेष प्रयोग बताए गए हैं। विभिन्न वृक्षों के बांदा और उनके उपयोग, बेर का बांदा
बेर के बांदे को विधिवत तोड़ कर लाने के पश्चात देव प्रतिमा की तरह इसको स्नान करवाएं व पूजा करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर धारण कर लें। आप जो भी इससे मांगेंगे वह सब आपको प्राप्त होते रहेगा। बेर के वृक्ष का बंदा स्वाति नक्षत्र में लाकर पूजा के बाद अपने घर में किसी गुप्त स्थान पर रखने से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। बरगद का बांदा, यह बांदा बाजू में बांधने से हर कार्य में सफलता मिलती है और कोई भी धारण करने वाले को हानि नहीं पहुंचा सकता। हरसिंगार का बांदा, यह बांदा बहुत ही पावरफुल होता है, इसलिए काफी मुश्किल से मिलता है। यदि हरसिंगार के बांदे को पूजा करने के बाद लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें तो आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। हरसिंगार का बंदा मघा नक्षत्र में लाकर उसे धूप दीप से पूजन कर घर में रखने से गरीबी व दरिद्रता का नाश हो जाता है। अनार का बांदा, इस बांदे को पूजा करने के बाद घर में रखने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती और न ही भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों का घर में प्रवेश होता है। आंवले का बांदा, आंवले के बांदा को भुजा में बांधने से चोर डाकू हिंसक पशुओं का कभी भी डर नहीं रहता। नीम का बांदा, अगर आपका कोई दुश्मन है और वह आपको बार बार परेशान कर रहा हो तो नीम के बांदे को अपने उस दुश्मन से स्पर्श करा दें तो शीघ्र ही उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आम का बांदा, इस पेड़ के बांदे को भुजा पर धारण करने से कभी भी आपकी हार नहीं होती और हमेशा विजय प्राप्त होती रहेगी। जिन पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है व घर में कलह रहता है वे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आम का बंदा लाकर दाईं भुजा में धारण करें तो दोनों का जीवन सुखमय हो जाएगा है। कुश का बांदा, कुश का बंदा भरणी नक्षत्र में लाकर विधिवत पूजा करें फिर नमो धंदाय स्वाहा इस मंत्र की 11 माला करके इस मंत्र की 108 बार आहुति देकर बांदे को लाल या पीले कपड़े में रखकर उसमें कुछ पैसे एक हल्दी गठान चावल आदि से एक पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में रख दें। आपके घर में धन धान्य की जीवन भर कमी नहीं रहेगी। गूलर का बांदा, गूलर के वृक्ष का बंदा रोहिणी नक्षत्र में लाकर विधिवत पूजन करके अपने घर के मंदिर में रखने से धन वृद्धि होने लगती है।